हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम घर में ही कैसे चिली गार्लिक नूडल्स बना सकते हैं, रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट अपने चिली गार्लिक नूडल्स में ला सकते हैं। सारी वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चिली गार्लिक नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है, पैन को गर्म कर लिया है। गर्म होने के बाद ही पैन में मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड किया है, 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल है। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और इस तरह से हम पैन के चारों तरफ ऑयल को अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि जब हम इसमें नूडल्स डालें तो हमारे नूडल्स पैन को ना चिपके। ऑयल यहाँ पर अब गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 साबुत लाल मिर्च। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के गार्लिक, इसमें जिंजर नहीं है, और 1 हरी मिर्च उसके साथ मैंने फाइनली चॉप कर ली है। हमें यहाँ पर जिंजर का यूज़ नहीं करना है। अच्छी तरह से हम इसे सॉटे करेंगे 1 से 1.5 मिनट, इसका कलर चेंज नहीं होने देना है हमें। आपको मैंने हर अपने चाइनीज़ फूड की रेसिपी में बताया है कि फ्लेम हमेशा हमें हाई रखनी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वेजिटेबल्स। यहाँ पर मैंने देखिए लिया है 4 से 5 फ्रेंच बीन, उसे कट कर लिया है, 1/2 अनियन उसे जुलियन कट कर लिया है, और 1/2 कैप्सिकम उसे भी मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को 30 to 40 सेकेंड्स हम हाई हीट पे अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें इसका क्रंच मेंटेन करना है तो ज़्यादा नहीं भूनना है। तो ये देखिए, बस अब ये यहाँ पर भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूसरी वेजिटेबल्स, ये गाजर है। मैंने एक गाजर को देखिए इस तरह से पतला पतला लंबा कट कर लिया है, और उसी के साथ मैंने 1/2 कप यहाँ पे कैबेज लिए, उसे भी लंबा लंबा कट कर लिया है। अब इन सारी सब्जियों को मैं 30 to 40 सेकेंड अगेन फ्राई करूँगी। हाई हीट पर ही फ्राई करना है, यहाँ पर हमें हीट लो नहीं करनी है। तो बस ये देखिए, अब ये यहाँ पर फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नूडल्स। नूडल्स मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, हाउ टू बॉईल नूडल्स। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च, थोड़ा सा नमक ऐड किया है अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें एरोमेट पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है विनेगर, 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली का पेस्ट है ये, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने ऐड कर दिया है शेजवान सॉस। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास ये सॉस नहीं है तो आप इसकी जगह पे चिली रेड चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है अच्छी तरह से। नूडल्स और सॉस ऐड करते वक्त मैंने यहाँ पे फ्लेम लो कर दी थी, तो अब अगेन मैंने फ्लेम हाई कर दी है, और मैं यहाँ पे इसे देखिए इस तरह के स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। टोंग यूज़ किया है मैंने मिक्स करने के लिए। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है घर में तो आप 2 स्पून ले सकते हैं फ्लैट स्पून, और उससे इस तरीके से नूडल्स को मिक्स कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने नूडल्स सब्जियों के साथ मिक्स कर लिया है, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। ये कलर जो आया है नूडल्स में, ये जो हमने कश्मीरी रेड चिली पेस्ट यूज़ किया है उसका कलर है, और शेजवान सॉस का कलर है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है स्प्रिंग अनियन, बस थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है और इसे हल्का सा मिक्स देना है, गैस बंद कर देनी है। स्प्रिंग अनियन डालते ही हमें गैस को बंद करना होता है चाइनीज में। तो बस अब ये रेडी हो गया है, अब ये हम सर्व कर लेते हैं। आप यहाँ पे नूडल्स की लेंथ चेक कर सकते हैं, एकदम लंबे लंबे नूडल्स हैं, हमारे नूडल्स टूटे नहीं हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे कलर आया है, यहाँ पे हमने कोई कलर ऐड नहीं किया है फूड कलर, ये इसका नॉर्मल कलर है जो हमने सॉसेस के थ्रू लिया है, और जो हमने मिर्च ऐड की थी उसकी वजह से ये कलर आया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया। अब मैं इसे दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने खिले खिले से नूडल्स बने। आप इसकी रेसिपी एक बार ज़रूर देख लेना, अगर आपके नूडल्स अच्छे रहेंगे बॉईल तो आपका ये नूडल्स बहुत अच्छा बनेगा। तो बॉइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अब यहाँ पे सर्व हो गया है। यहाँ पे मैं फिर से स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, और ये सर्व होने के लिए रेडी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका आउटकम कैसा आ रहा है। और मेरे चैनल होम फूड स्टेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। शब बख़ैर।